फ्रेंड्स, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के बगल में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी की जानकारी मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, हनी की रसोई से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बच्चों और बड़ों सभी की ही बहुत फेवरेट मैंगो फ्रूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, घर पे मैंगो फ्रूटी बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सिर्फ इन 3 इंग्रेडिएंट के मदद से आप बिना किसी केमिकल के, बिना किसी कलर के आप अच्छी फ्रूटी बना सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ 300 ग्राम आम की प्योरी ली है, पका हुआ आम, मीठा आम जो है। मैंने यहाँ पर बादामी आम का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो हमें लेना है वो 100 ग्राम कच्चा आम, मतलब 300 ग्राम पका हुआ आम, तो उस पर 100 ग्राम कच्चा आम, रॉ मैंगो जिसे कहते हैं कैरी, उसकी मैंने प्योरी ली है। इसके अलावा मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स हमें 300 ग्राम चीनी की ज़रूरत होती है, जितना आम है उतनी ही चीनी है, बट मेरा आम काफ़ी मीठा था तो मैंने इसलिए 250 ग्राम यहाँ पर चीनी ली है। तो 300 ग्राम पका हुआ आम, 100 ग्राम कच्चा आम और 250 ग्राम चीनी मैंने ली है। अब यहाँ हम एक सॉस पैन लेंगे जिसमें हम लोग अपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। यहाँ पर मैंने आम की प्यूरी, कच्चे आम की प्यूरी प्लस जो हमारी शुगर है, तीनों इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ हमने इसे फ्लेम पे चढ़ा दिया है और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, करीब आधे से एक कप जितना हम पानी डालेंगे। और फ्लेम मैंने चालू कर दी है, इनिशियल स्टेज पे हम इसे लगातार चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो आम है या चीनी है वो नीचे से लगे नहीं। और तेज फ्लेम पे हम इसे एक बॉयल आने देंगे, जैसे ही बॉयल आएगा फ्लेम स्लो कर देंगे। फ्रेंड्स, जब तक बॉयल ना आए, इसमें उबाल ना आए, तब तक आप इसे लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो ये नीचे से लगने का डर रहेगा, अगर जो चीनी या आम नीचे से जल सकता है। बस अभी इसमें हम एक बॉयल अच्छे से आने देते हैं। ये देखिए, आप देख सकते हैं बॉयल इसमें आना शुरू हो गया है। बस अब हम इसकी फ्लेम स्लो कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम करीब 2 से 3 मिनट इसे पकने देंगे कि जब तक ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा, ट्रांसलूसेंट सा ना हो जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। और फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये बनाने में काफ़ी आसान है और टेस्ट इसका सिमिलर, एकदम बिल्कुल मार्केट जैसी फ्रूटी जैसा ही होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, 2-3 मिनट में करीब पकते हुए ये देखिए काफ़ी ट्रांसपेरेंट सा इसका कलर हो गया है और हमारी फ्रूटी ऑलमोस्ट रेडी है। अभी हम गैस बंद कर देते हैं। बस अभी हमें इसे बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे एकदम ठंडा कर लेना है। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम अपना आगे का प्रोसेस करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा आम का कॉन्सेंट्रेट या आम का शरबत हम कह सकते हैं वो तैयार हो गया है। अब हम एक बड़ा बर्तन मैं यहाँ ले रही हूँ जिसमें एक छलनी या स्ट्रेनर हम लगा देंगे और जो हमारा फ्रूटी है या आम का कॉन्सेंट्रेट है इसे हम छान लेंगे, और ताकि इसमें जो भी इम्प्योरिटीज़ हों या आम का कोई रेशा वगैरह हो या कोई टुकड़ा रहा हो तो वो आराम से छन जाए। और फ्रेंड्स, ये वाला स्टेप आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इससे जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो बिल्कुल निकल जाएंगी और एक बिल्कुल स्मूथ प्योरी या पेस्ट हमें मिलेगा। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और बिल्कुल इसे अच्छे से छान लेंगे। आप देखिएगा काफ़ी सारा जो रेशा ऊपर से है ये हम इसे अलग कर देंगे। बस हमारी ऑलमोस्ट फ्रूटी रेडी हो गई है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे एकदम स्मूथ वाला प्योरी हमें मिला है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर पानी को उबाल कर और ठंडा करके डाल रही हूँ, मतलब कच्चा पानी मैं यहाँ इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और करीब 750 ml मैंने पानी अभी डाला है। ओवरऑल मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है, बट पानी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि आपको कितना मीठा रखना है या कितना पतला रखना है। देखिए, मैं इस तरह की कंसिस्टेंसी मैंने यहाँ पर रखी है। बस हमारी फ्रूटी रेडी है, इसे एकदम चिल्ड करके आप सर्व करें। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मस्त मस्त मैंगो फ्रूटी बनकर बिल्कुल रेडी है, बिना कलर, बिना किसी केमिकल के। तो बच्चे भी खुश, मम्मा भी खुश। और देखिए, एक मैंगो से हमने कितनी सारी फ्रूटी बनाई है, करीब 1.5 से 2 लीटर फ्रूटी हमने बनाई है। और टेस्ट बिल्कुल आप कोई डिफरेंस नहीं कर पाएगा कि ये मार्केट की है कि घर वाली। तो इस वाले समर ये वाली रेसिपी तो ट्राई करना बनता है बॉस, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। आई होप फ्रेंड्स, आज की रेसिपी भी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।